जहाँ तक न्यू एज कंपनी की बात है, आपने सही कहा कि इस वक्त ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कही जा सकती है और बहुत लाइमलाइट में है, जिसमें हमने एक कंपनी IEX को चुना है। हालांकि इस पे हमारी इनिशिएटिंग रिपोर्ट जुलाई 2020 में आई थी, उस समय ये 180-190 के भाव हुआ करते थे और अब 600 के भाव हैं, लेकिन हमें अभी भी बहुत अपसाइड लगती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है भारत का। भारत एक ऐसा देश है जो तीसरे पायदान पे आता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में और प्रोडक्शन में, और उसके बावजूद एनर्जी एक्सचेंज पे जो एनर्जी यूनिट्स ट्रेड हो रही है ना, वो केवल 5-6% है टोटल की, बाकी सब लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के द्वारा होती है। तो इस कारण से स्कोप बहुत बना हुआ है पावर की, जैसे हम सब जानते हैं खपत बढ़ती जा रही है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस है, इस तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे, वॉल्यूम्स लगातार हर महीने बढ़ रहे हैं। सिर्फ अगर अगस्त की बात करें तो 9538 मिलियन यूनिट की इनकी ट्रेडिंग हुई है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 700 पहला पड़ाव और उसके बाद और भी ऊंचे जा सकते हैं, बट इस वक्त 700 के टारगेट के साथ यहां पर बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। न्यू एज स्पेस में एक और स्टॉक।